जंतर मंतर पर आए हुए अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्य से अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर एमपी कॉलेज फिजिकल एजुकेशन जो कि ये आए हुए हैं, कहाँ से आप? मध्य प्रदेश से। ये लोग मध्य प्रदेश से हैं, टीचर्स लोग हैं, अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर आए। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर सतीश कुमार। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप यहाँ जंतर मंतर पे किन मांगों को लेकर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो सातवां वेतनमान है, जो यूजीसी को रिकमेंडेशन करीब 5-6 महीने पहले ऑलरेडी जमा हो चुका है, मिल चुका है, उसको भी आज तक पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हमारा मांग ये है कि सातवां वेतनमान उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारियों के लिए आए हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी तो अलग अलग हो गया, आज मेनली गिरफ्तारी की बात है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन आज मेनली गिरफ्तारी की बात है। क्या मंशा है सरकार की, आपका जो सातवां जो वेतन आयोग है उसे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब से यूजीसी वेतनमान लागू हुआ है, जब भी ये स्केल आता है, पांचवा आया, छठा आया, सबसे पहले इसको पब्लिक डोमेन में लेके जाया जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कुछ इसमें त्रुटियां रह जाए और बाद में दिक्कत हो जाए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये पब्लिक में लेके नहीं जाया जा पा रहा है। तो सबसे पहले जो पब्लिक में लेके जाना चाहिए ताकि जो भी त्रुटियां हैं या सजेशन है दैट कैन बी गिवन, और इसके साथ ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर ज्योति जुनगरे। जुनगरे जी, अभी सर ने बताया कि जो सातवां वेतन आयोग है, पहले जो सरकार है ये करती थी पब्लिक में शो करती थी, इस बार पब्लिक में शो नहीं करा, तो क्या कारण हो सकता है? मनमानी करना चाह रहे हैं वो, कि सरकार ये चाह रही है कि उनको वैसे वेतनमान को लेकर हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती है कि यूजीसी वेतनमान वैसे ही ज्यादा पाते हैं, इसीलिए उनकी मंशा ये नहीं है कि इन लोगों को वेतनमान दिया जाए। इसीलिए हम लोग इन मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आंदोलन कर रहे, जेल बना आंदोलन भी करेंगे, हम लोग जेल भी जाएंगे, हमारे हक के अधिकार की लड़ाई है, हम इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी मैडम ने बोला कि जेल जाएंगे और जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो मैडम उससे भटक गए कि सर क्या अभी सर ने बताया कि जो भी इस तरीके का जो आदेश आता है वो पहले पब्लिक में शो किया जाता है फिर उसे लागू किया जाता है, क्या मंशा रही है कि सरकार की उन्होंने जो पब्लिक में इस आदेश को शो नहीं किया है? समस्या वेतनमान में लेकर के इस बार के वेतनमान में सरकार जो पब्लिक में नहीं जा रही है उसका गुप्त रूप से जो प्रोग्राम है वो ये है कि पहले 80% जो भाग था वेतनमान का वो केंद्र सरकार अब बहन करती थी और 20% जो था वो स्टेट गवर्नमेंट को बहन करने को देती थी। अब एक षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार जो है 50% का उसका जो पार्ट है वो अपने पास रखना चाहती है और अपना जो 30% का पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट में डाल के स्टेट गवर्नमेंट पे 50% का भार डालना चाहती है, जबकि जीएसटी और जो दूसरे कर जो आए हैं उनसे सरकार को अतिरिक्त आमदनी हुई है और सरकार को अतिरिक्त आमदनी होने के बावजूद सरकार अपने दायित्वों से अपना हाथ खींच रही है, पीछे हट रही है और शिक्षक का दमन करना चाहती है। अधिकतर ये जो एजुकेशन है प्राइवेट सेक्टर में देने का काम कर रहे हैं, अभी कुछ साथी ने बताया, तो इनकी क्या मंशा है प्राइवेट सेक्टर में देने का? प्राइवेट पूरे विश्व में तीन चीजें ऐसी होती है जो पूरे विश्व की सरकार अपने पास रखना चाहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया हमारे भारत की सरकार को, इतने योग्य प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं और पता नहीं हमारी सरकार को क्या हुआ है कि वो शिक्षा पूरी की पूरी उठा करके व्यापारियों की गोदी में रख देना चाहती है। इससे हमारी पूरे के पूरे आगे आने वाली पूरी पीढ़ी में घुल लग जाएगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 2020 में भारत पूरे विश्व का युवा राष्ट्र होगा और सर युवा राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको एक अमली जामा एक लाइन पे लाने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा को और जितने भी हमारे युवा हैं उनको खेल की गतिविधियों में और हस्तपुत बनाने की तरफ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार का बड़े इस प्रकार से जो शून्य इस तरफ जो ध्यान जा रहा है उससे हम लोग बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं।